नांगल चौधरी के गांव बीगोपुर में देर रात करीब 1:30 बजे मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने चोरी के इरादे से एक घर में घुसने का प्रयास किया। उक्त युवक घर में घुसने के लिए दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मालिक के आते ही युवकों ने भागने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने दो को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों में से एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गांव बीगोपुर निवासी वकील ने आरोप लगाया है कि मंगलवार देर रात हुई करीब 1:30 बजे उसके घर में 3 बाइक सवार युवक चोरी के इरादे से घुसाए। जब युवक ने घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की तो अचानक उसकी पत्नी घर आ गई। महिला को आते देख दोनों युवक बाइक लेकर फरार हो गए। महिला ने मामला देख पड़ोसियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरों का पीछा कर कुछ दूरी पर दो को तो काबू कर लिया और तीसरा चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर तीसरे की तलाश में छापेमारी कर रही है। रात में गश्त लगा तो पुलिस कंट्रोल रूम नारोल से सूचना मिली थी, गांव बीगोपुर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दो आदमी पकड़ रखे हैं, एक आदमी भाग गए। जल्दी पुलिस लेकर पहुंची, इस पर पहुंचा तो नयपाल सनप राम जी लाल ने दो आदमी अपने घर पर बैठा रखे थे, गांव के और भी कई आदमी थे। जो आरोपी हैं वो कौन से गांव से? ये सनप सुरेश, ये छापरा मोहनपुर, और दूसरा लड़का है योगेश सनप यादराम, ये इस्लामपुर है, और तीसरा इस्लामपुरा का दलीप सनप महावीर, ये मौका पाकर भाग गए।